जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें DMER मुंबई में जो वैकेंसी है आपका महाराष्ट्र डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो आपका नर्सिंग टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल जो है वैकेंसी आज यहाँ पे आपकी 5182 वैकेंसी, काफी अच्छी वैकेंसी दी हुई है आपके लिए। यहाँ पे आपकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से 38 साल है। वहीं SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल की छूट भी दी गई है। सिलेक्शन मोड की बात करें तो आपका ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी प्रोसेस आपको करनी होगी। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए आपका 100,000 रुपये है। वहीं आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए 900 रुपये है। एंड आपकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 10 मई से हो चुकी है, आपकी लास्ट डेट 25 मई होने वाली है। यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 170 है, टेक्निकल के लिए 180। आपको यहाँ पे हर पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट दी हुई है। यहाँ पे आप वीडियो को थोड़ी देर रोकने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा पुश करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपकी कितनी वैकेंसी किस में दी हुई है, तो आप किस में आवेदन करना चाहते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको चेक कर लीजिए। यहाँ पर इतनी सारी पोस्ट दी हुई है, वहीं पर सीनियर क्लर्क की, स्टाफ नर्स की, तो इसमें बहुत सारी पोस्ट दी हुई है, तो आप कैसे जो आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आपको रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी देर आपका लोडिंग चलेगा। लोडिंग चलने के बाद आपको यहाँ पे आपको क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद आपको इसको नीचे करना होगा। वहीं उस आपका कैंडिडेट फर्स्ट नेम, तो आपको फर्स्ट नेम डाल देना है। मिडिल नेम अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, अन्यथा आपको लास्ट नेम डालना होगा। अगर आपका लास्ट नेम अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर NA कर सकते हैं। उसका होता है हैव यू चेंज नेम, आपने नाम कभी चेंज किया है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं आपका दिखाई देगा आपको डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ईयर मंथ एंड आपका डेट डालना होगा। यहाँ पर एज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट होकर आ गया। वहीं आपका पूछता है मेल है या फीमेल है, वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका मोबाइल नंबर, तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको कन्फर्म मोबाइल नंबर करना होगा। एंड आपको दिखाई देगा आपका आपके अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अवेलेबल है, कोई और नंबर अवेलेबल है तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वहीं आपका दिखाई देगा आपको ईमेल आईडी, तो यहाँ पर क्या है, आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आपको कन्फर्म करना होगा। एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका 10th का रोल नंबर, तो यहाँ पर 10th का रोल नंबर डालना है। एंड किस ईयर में पास किया था वो आपको डालना होगा। यहाँ पर सारी चीज़ जो है आपको अच्छे से फिल करनी होगी। वहीं आपका पूछता है आपका सेंटर, तो आपको एग्जाम सेंटर, 3 एग्जाम सेंटर आपको चूज करने होंगे, तो 3 एग्जाम सेंटर आपको अलग अलग डालने हैं। डालने के बाद यहाँ पर क्लिक कर लेना है कि टेस्ट एंटर मैंने सही सिलेक्ट किए हैं। उसका क्या, आपको जनरेट OTP कर देना है, तो आपके मोबाइल और ईमेल पर एक OTP आ जाएगा जिसे आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे आई एग्री करना होगा। जैसे आप आई एग्री करेंगे तो यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको रीवेरीफाई पर क्लिक कर लेना है। और जैसे आप रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपके सारे नाम आपका सही है, लास्ट नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ, मेल, फीमेल, आपका जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अगर सारी चीज़ सही है तो आपको सब पे क्लिक कर लेना है। एंड आपको सबमिट करना होगा। जब तक आप यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे तो आप सबमिट नहीं कर पाएंगे, ये आपको यहाँ पर देख लेना है। तो इसके बाद आपको आपका एप्लीकेशन एंड आपका जो है पासवर्ड आपके मोबाइल पर आ गया, मोबाइल और ईमेल दोनों पर आ गया। उसके बाद क्या है, लॉगिन कर लेना है। एंड अप्लाई पोस्ट पर क्लिक करेंगे। एंड अप्लाई पोस्ट पर क्लिक करने के लिए यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर क्या आपका वेटिंग चलने वाला है, लोडिंग आपका हो जाएगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपको क्या है, ओके कर लेना है। एंड ओके करने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। तो यहाँ पे आपको विशेष तरीके ध्यान रखना है, आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है अच्छे से फिल करनी होंगी, कोई भी गलती नहीं करना है। उसका पूछा किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो वो पोस्ट आप लेफ्ट लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, हर पोस्ट के लिए अलग फॉर्म सेम है, उसमें क्या सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन चेंज हो जाएगा, बाकी आपका कोई चेंजेस नहीं है, बस एक क्वालिफिकेशन के अलावा जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको लगाना होगा। यहाँ पर आप कोई भी पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो पोस्ट आपके एलिजिबल हो, जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। उसका पूछता है आपका नेशनलिटी, तो आपको इंडियन डाल देना है। तो अगर आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। उसका किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको डालना होगा। एंड पूछता है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी इश्यू, तो आपका किसने जो है कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू
किया है तो वो डालना हो, किस डेट में किया है, जाति प्रमाण पत्र, सीरियल नंबर, तो ये सारी चीज डालनी होंगी। अब अन्यथा आपको क्या है, जो कैटेगरी आपको वो कैटेगरी यहाँ पर चूज करनी होगी। वही आपका पूछता है डोमिसाइल, आपने डोमिसाइल आपका किसने इश्यू किया था वो आपके नीचे लिखा रहता है डोमिसाइल पे, कब किस तारीख को इश्यू हुआ है, डोमिसाइल नंबर क्या है, वो आपको डालना होगा। डालने का पूछता आपका विजिलर मार्क, आपके चेहरा पे कोई तिले है या बॉडी पे कोई मार्क है, कट है, वो यहाँ पर आपको डालना होगा। क्या पूछता है, यू हैव ए पैन, डू यू हैव पैन कार्ड, आपका पैन कार्ड अवेलेबल है, तो यस करेंगे, पैन नंबर डाल देंगे, पैन कार्ड में नाम क्या है वो डाल देना है। अगर आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, तो कोई भी एक प्रूफ होना यहाँ पर अति आवश्यक है। उसका आपको क्या है, डिक्लेरेशन क्लिक कर लेना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद पूछता आप एक्सर्विसमैन है, तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। वही आपको पूछता है आर यू नॉमिनेटेड बाय फ्रीडम फाइटर, आप फ्रीडम फाइटर हैं, तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। इसका आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। यहाँ पर सारी डिटेल जो है आपको अच्छे से बनी हुई है, आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं आपको पूछता है आर यू प्रोजेक्ट अफेक्टेड, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है, क्योंकि ये अगर यहाँ पर आप यस करेंगे तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर पूछता है आर यू अफेक्टेड, आप भूकंप रोधी ग्रस्त हैं, तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं आपको आर यू डिग्री डिप्लोमा होल्डर पार्ट टाइम कैंडिडेट, अगर आप डिग्री डिप्लोमा होल्डर पार्ट टाइम कैंडिडेट यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना। उसका पूछा आर यू और आप अनाथ हैं, तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड उसका नीचे दिखाएगा वेदर प्रोसेसिंग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आपका ईडब्ल्यूएस है तो आप यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना। आपके पास कोई कोर्ट केस है, आपके पास खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्यवाही है, तो या कोई कोर्ट में आपका केस चल रहा है, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन ही आपको नो कर देने हैं। सर पूछता है हैव यू एग्जीक्यूटिव प्लेस व्यवहार अंडर सिक्योरिटी, तो ऑप्शन तो आपका यहाँ पर आपको नो करना होगा। आपका गलत व्यवहार तो नहीं है, किसी सिक्योरिटी के प्रति तो आपको बॉन्ड नहीं किया गया है, तो आपको नो करना है। सर पूछता है आपको किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको जो है वहाँ से अनफेयर तो नहीं किया गया, तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ नो कर लेनी है। एंड आपका कोई क्रिमिनल केस है, कोर्ट केस है, वही सेम पोजिशन आपको ये सारी चीज़ें जो है नो करनी होंगी। नो करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन खुल के आएगा, यहाँ पर पूछता है आपका एड्रेस, आपका एड्रेस आपका विलेज कहाँ है वो आपको डालना है, एंड आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, एंड किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो आपको डालना होगा। एंड उसके बाद पूछता है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको डाल देना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालने का आपको पिन कोड दिखाई देगा, तो आपको पिन कोड डाल देना है। एंड पूछता है परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो आप यस करेंगे, अलग है तो आप नो पे क्लिक करके अलग अलग भी डाल सकते हैं। तो ये तो आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस, ये आपका परमानेंट जहाँ पे फिलहाल आप जो है आपके डॉक्यूमेंट आपके सारे डॉक्यूमेंट जाके वहाँ का आपको डालना होगा। उसके आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। वहीं उस आपका टेंथ किस बोर्ड से पास किया था, या फिर महाराष्ट्र बोर्ड से किया था, अदर बोर्ड से किया था, वो आपको डालना होगा। उसके बाद आपको क्या है इंस्टीट्यूट का नेम डाल देना है, एंड परसेंटेज था या CGPA था वो आपको सिलेक्ट करना होगा। एंड ऑप्टेन डालना है, यहाँ पर आपका ऑप्टेन क्या था एंड टोटल मार्क्स कितने थे वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर उस आपका 12th किस बोर्ड से पास किया था, तो वो आपको डालना होगा। डालने के बाद पूछता है परसेंटेज था या CGPA था, किस कॉलेज से पास किया था वो डालने के बाद आपको पूछता है यहाँ पर आपका परसेंटेज एंड टोटल मार्क्स, तो वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको डाल देना है। तो यहाँ पर क्या है आपको ये सारी चीज़ जो है आपको अच्छे से फिल करनी होंगी। एंड डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका डिग्री क्वालिफिकेशन, तो आपका डिग्री में आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। BSc है, जो भी आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेन चीज यहाँ पर आपका चेंज होता है, तो वो आपको चेंज कर लेना है। किस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से पास किया था वो आपको डाल देना है, किस डेट में पास किया था वो आपको डालना होगा। ये डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका एक CGPA या परसेंटेज था वो आपको डाल देना है, एंड यहाँ पर ऑप्टन एंड टोटल मार्क्स डाल देना है। परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। वहीं आपके पास डिप्लोमा अवेलेबल है, तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है दे सकते हैं। उसके बाद पूछता है आपका डू यू हैव वैलिड रजिस्टर रिसिप्ट ऑफ महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिलिंग का आपका कोर्स है, तो आप यस करेंगे, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना, नहीं है तो आपको क्या है यहाँ पर नो कर देना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको पूछता है एक्सपीरियंस है तो आप ऐड करेंगे, नहीं है तो आपको नो कर देना है, एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आता है फोटोग्राफ, तो आपका फोटोग्राफ का साइज आपका 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। सो 50 से 80 के बीच में यहाँ पर आपका फोटोग्राफ अपलोड आपको करना है, तो आपको फोटोग्राफ जो है यहाँ पर क्लिक टू कैप्चर करेंगे, तो एंड आपका जो है यहाँ पर कैप्चर
कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका कैप्चर डायरेक्ट कैप्चर फोटोग्राफ मांगा गया, यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो आप अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे एंड आपको फोटोग्राफ जो है यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि फोटोग्राफ आपका लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए एवं अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करेंगे, वहीं सिग्नेचर अपलोड करेंगे एंड 10th की मार्कशीट अपलोड कर देंगे एंड उसके बाद 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे एंड यहाँ पर दिखाई देगा अपलोड योर आईडी प्रूफ, आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, क्या आपने लगाया वो आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद पूछता है ग्रेजुएट डिग्री, आपका ग्रेजुएशन डालना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर ओल्ड अदर रिलेटिव आप कोई डॉक्यूमेंट है तो लगा सकते हैं, आई कन्फर्म कर देंगे। आई कन्फर्म करने के बाद नीचे कर लेना है। नीचे आपको पूछता है पेमेंट आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वो आपको करना होगा। यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको टिक करनी होंगी कि हाँ मैंने जो सारी डिटेल्स है सारी अपने आपने सही भरी है और आपका आप इसके खुद जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर सारी डिटेल आपको यस कर लेनी है, रिव्यू करके एक बार फॉर्म को चेक कर लेना है। गलती है तो आपको बैक करके सही कर सकते हैं, आपका बिल्कुल सही है तो आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है एंड पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा एंड पेमेंट कर देना, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल हो जाएगा। और आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद है और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।